नमस्ते, मैं हूं अनवीता दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं शलभ आसन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में लोकेस्ट पोज से भी माना जाता है। तो शलभ आसन को करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि योग की प्रक्रिया आती कहां से है और इसे सही ढंग से किस तरह से करें। तो प्राचीन काल में एक मुनि थे जिनका नाम था पतंजलि मुनि, और उन्होंने ही पतंजलि योग सूत्रों का प्रचार किया था। अब इन योग सूत्रों में उन्होंने बताया था कि आसनों को किस तरह से करना चाहिए और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। दो बातें उन्होंने बताई थी। नंबर वन, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जब भी हम आसन करें उसे हमें स्थिरता से करना चाहिए और बहुत ही इतनी आसानी से करना चाहिए कि हमें इंटरनल जॉय या इनर जॉय का एक्सपीरियंस हो। तो ये है एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए। नंबर दो, प्रयत्न शैतिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, जिसका मतलब है कि जब हम योग करते हैं हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो ऑलमोस्ट एफर्टलेस बन जाए। उसे जोर जबरदस्ती से खींचातानी करके नहीं करना है, बहुत ही आसानी से करना है उसे, और प्रयत्न शैतिल्य हो जाना चाहिए हमारी योग प्रैक्टिस को। तो यही दो संस्कृत सूत्र थे और जो पतंजलि मुनि ने लिखे थे योग की प्रक्रिया के बारे में या आसन कैसे करते हैं उसके बारे में। अब जो हमने ये समझ लिया है तो शलभ आसन की ओर बढ़ते हैं। अब शलभ आसन में बेनिफिट्स भी है और लिमिटेशंस भी, और हमें दोनों समझने चाहिए। सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स का वर्णन कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स के तौर पर जब हम शलभ आसन करने जाते हैं तब हमें अपने एब्डोमिनल रीजन पे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उसी को हमें टाइट करके रखना है इस आसन के द्वारा, और हमारे जो एब्स है वो भी बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। इमीडिएटली ऑब्वियसली आपके सिक्स पैक एब्स नहीं आने वाले हैं इस आसन से, और वो आपका गोल होना भी नहीं चाहिए, वो बाद में आएगा। पहले आप इसको ठीक से करने का सीख ले उसे। तो नंबर वन है एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग। नंबर टू है कि अपने जो पैरों के मसल्स है उनमें भी बहुत स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन का भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है अपने पैरों में। अपने थाइस से लेकर राइट अप टिल योर फीट यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ब्लड सर्कुलेशन। और नंबर थ्री जो है, अपने जो स्पाइनल मसल्स है या पीठ के जो मसल्स है और नर्व्स है उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, और वो बहुत ही सपल बन जाते हैं, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, और इसी कारण हम जो मोच वोच आती है कमर में वो थोड़ी कम हो जाती है, और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिन के जो कार्य है वो कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा शरीर बहुत ही सपल और अजाइल महसूस करेगा। ये थे कुछ बेनिफिट्स। अभी हम समझते हैं कुछ लिमिटेशंस। तो ऑब्वियसली योग करने के टाइम अगर आपको कोई हेल्थ या इश्यूज है या कोई बीमारी है तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और इसी कारण मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप अपने डॉक्टर से एक चेकअप करा ले, फिर ही योग की ओर बढ़े। क्योंकि हमारे जो गुरु संस्था है केवलधाम योग इंस्टीट्यूशन, वहां भी हम पहले डॉक्टरों को दिखाते हैं, फिर जो डॉक्टर बताए उस किस्म की हम योग प्रक्रिया मेंबर्स को दे देते हैं। तो आप भी अपने इलाके में एक डॉक्टर के पास जाएं और थोड़ा चेकअप कराएं, और फिर उसके बाद ही जब आप सब ठीक है तभी आप योग की प्रक्रिया का जो है शुरुआत करें। अभी आप अगर आप अपने एब्डोमिनल मसल्स में समझिए आपको कुछ हर्निया है या एब्डोमिन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपके पैरों में कोई मोच आई हो या अपने घुटने में कोई डिसलोकेशन हुआ हो तो बहुत संभल कर कीजिए इस आसन को, या फिर मत ही कीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट है या आपको कोई प्रीनेटल कंडीशन है तो प्लीज एब्डोमिनल पोजेस नहीं करने हैं इस अवस्था में। और अगर आपको कोई जबड़े का प्रॉब्लम हो या आपको कोई चोट आई हो इधर, तो फिर संभल के कीजिए, क्योंकि जबड़े पे ही पूरा आसन बैलेंस होता है छाती को छोड़कर। तो आपको ध्यान से करना है इस आसन को। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस। अभी हम बढ़ते हैं आसन को कैसे करते हैं उस ट्यूटोरियल की ओर। तो आइए देखते हैं शलभ आसन की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं शलभ आसन के बारे में। उससे पहले हम बैठेंगे सुखासन में कुछ देर के लिए, अपनी सांसों को धीमी गति में लाने के लिए, और यान मुद्रा में हाथों को बनाए रखते हुए हम इसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे रहेंगे। फिर बहुत ही धीरे से हम शव आसन की ओर बढ़ेंगे और लेट जाएंगे अपनी पीठ पर, पैरों में थोड़ा सा अंतर और हाथ शरीर से थोड़े दूर। फिर पूरा जो अटेंशन है वो हमारे सांसों पर रहेगा, किस तरह से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और किस तरह से हम
अपने बॉडी को रिलैक्सेशन दे रहे हैं। उसके बाद जब हमने सफिशिएंट रिलैक्सेशन ले लिया है, तब हम अपने पीठ से उठ कर अपने पेट पर आ जाएंगे, और एक बार पेट पर लेट लिए तो पैरों को एक साथ जोड़कर रखेंगे और हाथों को शरीर के पास ले आएंगे। अपने हाथ जो है वो मुट्ठी के फॉर्मेशन में होंगे, यानी कि फिस्ट फॉर्मेशन में, और अंगूठे को अंदर रखें, उंगलियों को उसके ऊपर। इसके बाद हमारी जो दोनों मुट्ठियाँ हैं वो हम अपने थाइस के नीचे लगा लेंगे ताकि हमें सपोर्ट मिले। उसके बाद अपने चिन को या जबड़े को हम मैट पे रखेंगे और दोनों पैरों को पीछे से उठा लेंगे। याद रखिए कि दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पैर एक साथ बने रहे, ना कि उसमें अंतर आ जाए। अब इस पोजीशन को आप जितना देर रोक के रख सकते हैं वहाँ तक मेंटेन कीजिए, और फिर जब आपको कोई थकान महसूस हो या आपके मसल्स थक जाएं तो फिर आप धीरे से नीचे आ सकते हैं। फिर अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे से निकाल लें, अपने फोरहेड को फिर से मैट पर रखें और फिर से विश्रांति लें या फिर थोड़ा सा रेस्ट लें। अपनी सांसों को धीमी गति में बनाए रखें और रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाते रहें कुछ सेकंड्स के लिए। फिर एक बार आपको ऐसा लगे कि आप रिलैक्स हो गए हो, फिर आप राइट साइड पे धीरे से टर्न होने वाले हैं, और एक बार आप राइट साइड पे टर्न हो गए तो फिर अपने आप को सीटिंग पोजीशन में ले आइए। फिर से आप सुखासन में बैठ जाएंगे, और एक बार आप सुखासन में बैठ गए तो आप सिर्फ ये सोचिए कि इस आसन से आपको क्या सीख मिली है और इस आसन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या थे आपके लिए। और इसी के साथ हमारा शलभासन का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था शलभासन का ट्यूटोरियल और उससे जुड़े कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। मेरी यही आशा है कि आप ये आसन प्रैक्टिस करते रहें और अपने इलाके में कोई योग टीचर या योग संस्था से जुड़ जाएं जो आपको इस आसन के बारे में ज्यादा नॉलेज दे सके, क्योंकि इंटरनेट पे आप थोड़ा ही समझ पाएंगे, लेकिन अगर रियल लाइफ में इस आसन को आप एक एक्चुअल योगा इंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियोस है वो आपको इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको उसकी ओर थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं, और इसके बाद आपको खुद ही एक योग टीचर के साथ जुड़कर अपने योग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। तो यही मेरी आशा है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी योग जर्नी पर, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी एक और वीडियो के साथ जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं और योग की प्रक्रिया के बारे में सीख सकते हैं। तब तक नमस्ते, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक।